ओके सो हाय गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की दिवाली फोटो एडिटिंग। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता होगा कल जो है दिवाली है, एंड गाइस इससे पहले भी मैंने काफी वीडियोस अपलोड कर दिए दिवाली के ऊपर। एंड अगर गाइस आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो गाइस उसकी प्लेलिस्ट के जो लिंक है आपको आई बटन में मिल जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग जाके वहां से चेकआउट कर लेना। अगर आपको उनमें से भी अगर कोई और फोटो एडिट करनी हो तो आप वैसे भी फोटो एडिट कर सकते हो। बाकी गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अगर अभी तक आपसे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइस, वीडियो जो हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए गाइस आज की इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले करना है गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप सभी को। देन गाइस आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से आप सभी को पहले ऐड करना है अपने मॉडल को, ठीक है। तो मॉडल को जो यहां पे आपको ऐड करना है पहले, एंड गाइस मॉडल को जो आपको कुछ इस टाइप से गाइस आपको थोड़ा इतना साइज रख के आपको अपने मॉडल को यहां पे ऐड कर देना है, ठीक है। बट गाइस अब यहां पे आपको डन नहीं करना है, क्योंकि गाइस यहां पे भी हम पहले शैडो बनाएंगे उसके बाद डन करेंगे। तो यहां से चलते हम डायरेक्ट ऐड फोटो में, एंड यहां से लेते हैं ये ब्लैक कलर की शीट, एंड इसको लेने के बाद हम कुछ इस टाइप से यहां पे इसको फुल स्क्रीन करेंगे, ठीक है। एंड इसको इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है, एंड इसको मूव बैक कर देना है, सॉरी मूव डाउन। एंड मूव डाउन कर दोगे गाइस आप इरेजर टूल में जाओगे, इसको कन्वर्ट कर दोगे ब्रश को लेना। ब्रश को लेने के बाद आपको साइज को जितना रखना है, एंड गाइस उसके बाद आपको फोटो को जूम करनी है अपनी। फोटो को जूम करने के बाद गाइस यहां पे आपसे कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आपको यहां पे कुछ इस टाइप से इस वाले पैर के पास भी ऐसे ही पेंट करना है। यहां पे थोड़ा साइज बड़ा करके हम पेंट करते हैं, ठीक है। एंड यहां पे थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, तो क्या करेंगे अब इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे यहां से, ठीक है। तो यहां पे इतना परफेक्ट है। अब गाइस यहां पे क्या करेंगे हम, इसके बाद यहां पे डन करेंगे, एंड इसकी जो ओपेसिटी है गाइस यहां पे हम अपने हिसाब से रख लेंगे, मतलब जितनी आपको शेडो चाहिए हो कुछ इतनी, तो मैं 34 तक रखता हूं। एंड अब गाइस यहां पे हम कर सकते हैं इसको यहां पे सिंपली डन, ओके। सो इतना हो जाने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है गाइस यहां पे, अब आपसे होगा यहां पे ऐड करनी एक पीएनजी। तो उसके लिए जाएंगे हम यहां से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से हम ऐड करेंगे रॉकेट का पीएनजी पहले, ठीक है। तो रॉकेट का पीएनजी लेते हैं, एंड उसके बाद गाइस क्या करेंगे, इसको लेने के बाद हम इसको गाइस कुछ इस टाइप से ऐसे अपने हैंड के पास ले जाएंगे, हैंड कुछ इस टाइप से ऐसे रखेंगे कुछ, मतलब कि साइज जो है गाइस आपको रॉकेट का थोड़ा बड़ा रखना है, ठीक है। रॉकेट का साइज थोड़ा बड़ा सा रखना, एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाएंगे, एंड यहां पे हार्डनेस फुल कर लेंगे, साइज को अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। एंड उसके बाद फोटो को जूम करेंगे, एंड गाइस उसके बाद यहां पे जो है सिंपली अपने फिंगर्स के नीचे इसको पहुंचा देंगे, मतलब इरेज करके, एंड कुछ इस टाइप से। एंड यहां पे इतना परफेक्ट है। अब गाइस यहां पे इतना तो काम हो चुका है हमारा, अब इसको हम कर लेते हैं यहां पे डन, ठीक है। अब गाइस इसके बाद हमें जो है रॉकेट के पीछे जो फायर लगाना है, तो उसके लिए करेंगे ऐड फोटो में जाएंगे, एंड ऐसे ये फायर का पीएनजी लेंगे, एंड उसके बाद गाइस यहां पे सिंपली हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके इसको कर देंगे स्क्रीन, एंड उसके बाद सिंपली हम परफेक्ट तरीके से यहां पे ले जाएंगे इसको रॉकेट के पीछे, यहां पे इस तरीके से लगा देंगे, तो परफेक्ट है गाइस। अब यहां पे हम इसको कर लेते हैं डन। अब गाइस यहां पे आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जाना है दोबारा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से लेना आपको एक पार्टिकल का पीएनजी, एंड गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, आप स्क्रीन इसको ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है। देन गाइस आपको फुल स्क्रीन करना है कुछ इस टाइप से, एंड यहां पे गाइस देख सकते हैं आप इतना परफेक्ट है, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स वगैरह आप भी लगाना जरूर, पर इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेना आप, क्योंकि इसमें स्मोक भी है जो कि यार हमें रॉकेट के पास ही लगाना है, तो उसको रोटेट कर लेना है, एंड उसके बाद कर देना आपको डन, ओके गाइस। तो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइस, यहां से जाना आप सभी को अगेन ऐड फोटो में। एंड गाइस यहां से ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से आप सभी को एक पीएनजी और ऐड करना है, तो वापस से ऐड फोटो में चलते हैं, एंड यहां से स्मोक का पीएनजी लेते हैं। एंड गाइस उसके बाद आपको फुल स्क्रीन करना है गाइस इसे, एंड फुल स्क्रीन करने के बाद आपको ब्लेंडिंग मोड में जाकर इसको आपको कर देना है स्क्रीन, एंड कुछ हिसाब से यहां पे आपको स्मोक आ जाएगी आपके फोटोज में, तो उसके बाद आपको यहां पे कर देना है डन। अब गाइस इतना कर देने के बाद आपको दोबारा जाना ऐड फोटो में, एंड गाइस एक पार्टिकल का पीएनजी और ऐड करना है आपको, ठीक है, जिससे गाइस एक थोड़ा सा मतलब अच्छा सा लुक आएगा हमारी फोटो में। तो ये वाला पीएनजी है, एंड उसके बाद आपको ब्लेंडिंग मोड जाकर इसका स्क्रीन कर देना है, एंड उसके बाद आपको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐसे रख देना है, ठीक है। तो अभी गाइस यहां पे हमारी फोटो जो है काफी फीकी फीकी सी लग रही है, थोड़ा मतलब कि थोड़ा इतनी क्लियरिटी सी नहीं दिख रही है, तो उसको हम लाइटरूम ऐप में करेंगे। तो पहले हम यहां पे एक हैप्पी दिवाली का एक पीएनजी भी लगा लेते हैं, फिर उसके बाद जो रिटच वगैरह होगी उसके बाद तो हमारी फोटो एकदम ऑसम दिखने वाली है। तो अभी क्या करेंगे हम यहां पे, अब थोड़ी सी गाइस यहां पे इसका हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देंगे, एंड कुछ स्टेप्स इसको हम यहां पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद गाइस, ठीक है, तो इतना हो जाएगा, तो इसको हम यहां पे ऐसे लगा लेते हैं, एंड यहां पे परफेक्ट है। अब आप इसको कहीं भी लगा सकते हो अपनी मर्जी से, मैं इसको यहां लगा लेता हूं। अब गाइस इसको हम यहां पे करेंगे सेव, एंड इसको लेके चलेंगे लाइटरूम ऐप में, क्योंकि गाइस हमें एक अच्छा लुक देना हमें इस फोटो को, तो उसके लिए हमें इस लाइटरूम ऐप में ले जाना पड़ेगा। एंड लाइटरूम ऐप में गाइस मैंने फोटो को पहले से ऐड कर रखा है, पहले गाइस आपको ऑटो टूल को यूज करना है, एंड गाइस आपको लाइटिंग वगैरह ठीक लगती है तो आप ये रहने देना, नहीं लगती तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो है लाइटिंग वगैरह जो एकदम परफेक्ट हुई है गाइस, तो मेरे को यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कलर्स में चलते हैं, एंड लेते हैं मिक्स में, एंड ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करके इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करते हैं, एंड जो इसका लूमिनस है हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं,
ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको जितना डार्क ब्लू में आपको उसका थोड़ा सा ह्यू जो है माइनस कर देना है, सेचुरेशन जो है थोड़ा सा प्लस कर देना है, ठीक है गाइस। इतना हो जाने के बाद आपको सजाने पर्पल कलर में आपको उसका सेचुरेशन माइनस कर देना है, एंड पिंक कलर है जो उसका सेचुरेशन भी माइनस कर देना है। फिर जाना आपको यहाँ से गाइस रेड कलर में, रेड कलर में जाने के बाद आपको उसका ह्यू माइनस करना है, सेचुरेशन प्लस कर देना है, ठीक है। एंड इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डन करना है। एंड उसके बाद गाइस आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, सॉरी नीचे वाले टूल में नहीं, आपको फ्लिप टूल में जाना है। एंड उसके बाद गाइस आपको जाना है शेडो के सामने जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। एंड इसका जो ह्यू है गाइस आपको ले जाना है यहाँ से इसके ब्लू कलर के बीच में, एंड इसका सेचुरेशन आपको 22 तक बढ़ा देना है। फिर गाइस आपको जाना है यहाँ से मिड टोन में, मिड टोन में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सामने की तरफ जो येलो कलर दिख रहा है आपको उसमें ले जाना है, एंड इसका जो थोड़ा सेचुरेशन आपको जितना बढ़ा देना है 18 तक। फिर आपको गाइस जाना है हाईलाइट में, एंड हाईलाइट में जाने के बाद आपको उसके ले जाना है पर्पल और एक पिंक कलर के बीच में, देन गाइस आपको उसका थोड़ा सेचुरेशन बढ़ा देना है। एंड गाइस उसके बाद आपके फोटो का कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। देन गाइस आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको थोड़ी सी क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है। एंड गाइस हल्का सा विग्नेट डाल देना अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि गाइस विग्नेट डालना बहुत जरूरी है, तो विग्नेट जरूर डालना एंड विग्नेट डाल देना अपने अकॉर्डिंग। देन गाइस आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ से जाना है नीचे वाले टूल में, फिर गाइस यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है। एंड गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा नॉइज रिडक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके नीचे मिलेगा आपको कलर रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, गाइस यहाँ पे हमारी जो सब कुछ रिटच वगैरह हो चुका है, तो गाइस आशा करता हूँ यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यार आप सभी के लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले गए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।